पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस हम लिखते कैसे हैं? अब एग्जांपल वन, हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में हम लिखेंगे कैसे? हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, जब हम इसको लिखेंगे हमारे पास जो होता है एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, ये हमारे पास होता है लीनियर फैक्टर। ठीक है, ये हमारे पास लीनियर फैक्टर होता है। अभी हमारे पास कंपोजिट फॉर्म में हम इसको लिखेंगे डिकम्पोजिशन फॉर्म में, तो जब हम इसको लिखते हैं हमारे पास कोई भी कॉन्स्टेंट ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फोर। सिमिलरली जब हम इसमें हमारे पास इस केस में क्या होगा, ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस फोर प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एट प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस नाइन, ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं। तो अब हमारे पास एग्जांपल थ्री है, फाइव ओवर एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस नाइन। अब हमारे पास जो इनर फंक्शन है ना, ये इनर फंक्शन का स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसको पहले एक्सपेंड कर देंगे। किस तरह करेंगे एक्सपेंड इसको, फाइव ओवर एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव ओवर एक्स, ये हमारे पास किसका फार्मूला होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो हम इसमें लिख लेंगे इसमें एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, और जब हम इसको लिखेंगे ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स माइनस थ्री प्लस सी ओवर एक्स प्लस थ्री, इस तरह लिख देंगे। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल फोर है, अब ये हमारे पास क्या एक्स प्लस टू होल पावर थ्री, तो ये रिपीटेड होगा हमारे पास इसमें। जब होल पावर थ्री आ गई तो हम इसको लिखेंगे कॉन्स्टेंट ए ओवर एक्स प्लस टू प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स प्लस टू का क्यूब, ये हमारे पास रिपीट होगा। ठीक है, ये क्यूब, जब होल के क्यूब आ जाए तो हम उसको पहले एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू का स्क्वायर एक्स प्लस टू का क्यूब। अब हमारे पास है टू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई दिस, इसको हम आसान कर लिखेंगे टू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई, हम इसमें एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा एक्स माइनस वन, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम देख रहे हैं इसमें हमारे पास क्या एक्स का स्क्वायर, जब हम इसको लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से ए ओवर एक्स का स्क्वायर है, जब इसमें क्यूब था ना इसमें स्क्वायर है, तो एक बार एक्स प्लस बी ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस वन, ऐसा लिख देंगे हम इसको। अब हमारे पास क्या है थ्री एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन एक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स, इसको हम कैसा लिखेंगे? अब ये फंक्शन जो है हमारे पास लीनियर फैक्टर है, इसके इनर फंक्शन में इनर में हमारा स्क्वायर आ गया, इनर फंक्शन में स्क्वायर आ गया, तो इसमें हम कैसा लिखेंगे इसको, तो हम लिख लेंगे एज इट इज ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी, जब इनर फंक्शन में कोई स्क्वायर आ जाए एक्स का तो लिखेंगे बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। और जिस तरह हमने ऊपर देखा था एग्जांपल थ्री में एक्स का स्क्वायर माइनस नाइन, इसमें भी हम लिख सकते थे बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस नाइन, लेकिन वो वहाँ पर फार्मूला यूज़ करके हम आसान कर सकते थे, तो हमने आसान करके इस तरह लिखा इसको, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। अब हमारे पास है एक्स का क्यूब एक्स का स्क्वायर प्लस टू, इसको हम किस तरह लिखेंगे एक्स का क्यूब, सो ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स का क्यूब प्लस, अब इनर फंक्शन में स्क्वायर है जिस तरह इसमें था स्क्वायर स्क्वायर है प्लस डी एक्स प्लस ई डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस टू, हम इसमें इस तरह लिखेंगे इसको। अब हमारे पास एग्जांपल है, इसमें क्या है इनर फंक्शन में स्क्वायर भी है और होल का स्क्वायर भी है, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, पहले ए एक्स प्लस बी, क्योंकि हम लिख रहे हैं सिंगल सिर्फ एक्स का स्क्वायर प्लस फाइव,
तो इसके इनर फंक्शन में स्क्वेयर है तो हम इस तरह लिखेंगे प्लस, जब सेकेंड टाइम लिखेंगे जिसका स्क्वेयर लिखेंगे तो सी एक्स प्लस डी और एक्स का स्क्वेयर प्लस फाइव का होल स्क्वेयर, इसको हम इस तरह लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। अब एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, तो इसको इसको हम लिखेंगे ये एज इट इज आ जाएगा हमारे पास ए ओवर एक्स माइनस टू प्लस, अब अगेन वही है इनर फंक्शन में स्क्वेयर और होल का स्क्वेयर है तो आ जाएगा बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वेयर प्लस वन प्लस डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर आ जाएगा। अब एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, वन ओवर वन माइनस एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर है तो हम पहले इसको लिख देंगे वन ओवर वन माइनस एक्स का स्क्वेयर स्क्वेयर इज इक्वल टू वन ओवर वन का स्क्वेयर, वन का स्क्वेयर वन ही होता हमारे पास, वन का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर, यानी कि यही फार्मूला ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम यहाँ लिख देंगे वन माइनस एक्स का स्क्वेयर वन प्लस एक्स का स्क्वेयर। अब ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, अब वन प्लस एक्स का स्क्वेयर तो वन प्लस एक्स का स्क्वेयर ही रहता है, जो वन माइनस एक्स का स्क्वेयर है सेम एज इट इज़ वन का स्क्वेयर, अगर ले लें हम वन का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर तो वन वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स, तो हम इसको लिखेंगे वन ओवर वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स का स्क्वेयर। क्या आ जाएगा जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ए ओवर वन माइनस एक्स प्लस बी ओवर वन प्लस एक्स प्लस इनर फंक्शन में स्क्वेयर है तो सी एक्स प्लस डी ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वेयर। इस तरह हम लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को, हम किस तरह लिखेंगे इस तरह करके एग्जांपल्स। ठीक है।